भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई स्त्री ऐसे सोती है तो घर में अमीरी आती है, बनते हैं करोड़पति। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो रात के समय महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव। औरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है, और रात में जब औरत ऐसे सोती है और सुबह उठते ही ये काम करती है तो यकीन मानिए, ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है, वो घर कभी भी करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, नींद एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। जब हम कुछ घंटे सो जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, फिर हमारे अंदर दोबारा से काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। वैसे तो सोने का हर किसी का अपना अपना टाइम फिक्स होता है, लेकिन कई बार ये नींद इतनी जोर से आती है कि व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी सो जाता है। सोना व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना खाने के लिए भोजन। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए, आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है, इसीलिए आप भी ये जान ले और सोते समय ये काम जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार देर रात तक बेवजह अगर महिला जागती है तो इसका मतलब आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है। इसीलिए जल्द सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, जहां पर भी महिला अपना ज्यादा समय सोने में बिताती है तो वहां पर कभी भी राहु केतु और शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में बिता देती है वो सभी देवी देवताओं को क्रोधित कर देती है, इसीलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपनों में आकर ये आप पर हावी भी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, कामयाबी मिलती है। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम होगी कि हफ्ते के कुछ खास दिनों पर आपको कभी भी देर से नहीं उठना चाहिए, वरना तो देर से उठने की आदत शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। लेकिन खास कुछ दिन तो परिवार के सभी सदस्य को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इन दिनों पर देर से उठना सबसे भारी दोष और भयंकर बर्बादी का कारण बन सकता है। इसीलिए मंगलवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, जितने भी जल्दी हो सके उतना इन दिनों पर उठना चाहिए। ये समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने से व्यक्ति पर कई सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सुबह में आखिर उठने का सही समय या मुहूर्त क्या है, किस समय आपको उठना चाहिए, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त यानी कि इस समय बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। सुबह उठने का सही समय 4 से 5:30 बजे का माना जाता है। इस समय उठना कामयाबी को दर्शाता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति देवताओं को माता लक्ष्मी का प्रिय हो जाता है। लेकिन अगर आप देर से उठते हैं तो भी आपको 7 बजे के बाद तो कतई सोते नहीं रहना चाहिए। सुबह 7 बजे से पहले घर के सभी सदस्यों को उठना आवश्यक है। जब कोई महिला या पुरुष दक्षिण दिशा की ओर सर करके सोते हैं तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है। खुशियां घर में ऐसे आती है जैसे मानो बरसात हुआ पानी। इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है उन्हें धन संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है। दरअसल कई सालों से ऐसी परंपराएं और मान्यताएं चली आ रही हैं, जिसे लेकर कहा जाता है कि यदि ऐसा किया जाए तो वाकई में माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेती है। इसीलिए ये गांठ बांध ले कि आप ऐसे कामों को बिल्कुल भी ना करें जिससे आपको आने वाले समय में धन का अभाव झेलना पड़े। आखिर कौन से हैं वो काम जिन्हें शाम या रात के वक्त नहीं करना चाहिए, चलिए आपको भी बता देते हैं। नंबर 1, माना जाता है कि रात या शाम के समय दूध दही किसी को भी नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, इन चीजों को आप इस समय खरीद कर अगर ले आए हैं तो भी इसे किसी को ना दें। यदि आपने ये गलती से कर भी दिया तो आपको माँ लक्ष्मी का गुस्सा झेलना पड़ सकता है। नंबर 2, याद रहे जैसे आप सुबह उठने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही सूरज ढलने से पहले शाम के समय भी घर को साफ कर लें। खास करके मुख्य द्वार पर जरूर सफाई कर दें,
क्योंकि गंदगी माँ लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर 3, कहा जाता है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और जूठे बर्तनों के मामले में आपका ये दुश्मन माँ लक्ष्मी को भी नाराज कर सकता है। कई घरों के लोग आलस करते हैं और रात में जूठे बर्तन किचन में छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह उठकर बर्तन धोए जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। रात में जूठे बर्तन किचन में रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इससे भी माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और वास्तु शास्त्र के मुताबिक ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और सदैव के लिए आपके घर से चली जाती है। नंबर 4, आपको पता होगा कि माँ लक्ष्मी को अन्नदाता भी कहा जाता है। उनकी कृपा से लोगों को धन और अन्न दोनों की ही प्राप्ति होती है। इसीलिए याद रहे कि आप गलती से भी अन्न का अपमान ना करें। याद रहे कि जब भी आप खाना खाएं तो उसे पूरा खत्म अवश्य ही करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी इसके कारण भी रूठ सकती है। नंबर 5, इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जिन घरों में महिलाओं को हमेशा अपमानित किया जाता है उस घर में भी माता लक्ष्मी जी कभी अपना वास नहीं बनाती। इसीलिए भूल कर भी ये गलती आप ना करें, महिलाओं का हमेशा सम्मान करें। नंबर 6, कई बार हम लोग पूजा करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है। पूजा करते समय ध्यान रहे कि कोई भी सामग्री जमीन पर ना रखें। कुछ लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और भूल से कुछ पूजा का सामान जमीन पर रख देते हैं और उसी सामान में से सामग्री भगवान को अर्पित भी कर देते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा सामग्री को हमेशा पूजा की थाली में ही रखें। नंबर 7, हमेशा स्वच्छ और साफ स्थान पर ही माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जिन लोगों के घर में गंदगी रहती है वहाँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती। इसीलिए हमें अपने घर की साफ सफाई के साथ आसपास की भी साफ सफाई करनी चाहिए। तन के साथ साथ मन की भी साफ सफाई उतनी ही जरूरी है। इसीलिए दूसरों के प्रति किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग जल्दबाजी में बाहर से आकर घर में बिना हाथ पैर धोए ही घुस जाते हैं, सीधे कुछ खाने लग जाते हैं या फिर बिस्तर सोफे पर आदि पर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा करना धार्मिक और वास्तु दोनों के दृष्टिकोण से ही उचित नहीं माना जाता है। ये बहुत खराब आदत मानी जाती है। इसीलिए हमेशा घर में प्रवेश करते समय अपने आप को स्वच्छ रखें, फिर शाम को एक बार माँ लक्ष्मी का पाठ जरूर करें। अवश्य ही आपको माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पे बैठकर खाना खाते हैं, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा को लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है और बिस्तर पे खाना खाने से अन्न का अपमान होता है। इस वजह से बिस्तर में खाना खाने वाले लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इन लोगों के शरीर में बीमारियां आ सकती हैं और इनके ऊपर कर्ज बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा सम्मानजनक तरीके से आसन पर बैठकर या टेबल कुर्सी पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, घर के अंदर डस्टबिन रखना बहुत अच्छी आदत होती है, इसे आप बुरा ना समझें। इससे घर की साफ सफाई रहती है और सुबह कचरे वाले को कचरा देने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन गलती से भी डस्टबिन को घर के सामने नहीं रखना चाहिए। कई लोग अपनी सहूलियत के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि इससे सुबह कचरा वाला बिना आपको परेशान किए कचरा लेकर चला जाता है। लेकिन ऐसा करने से सिर्फ कचरा वाला नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी भी आपके द्वार से ही लौट जाती है। इसके अलावा पड़ोसियों के साथ रिश्ते भी आपके बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों ऐसा कतई ना करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।